तो आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ में 2 घंटे का क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। ये ऑर्डर है, रेकमेंडेशन नहीं। सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं वेब सीरीज रिव्यू, सॉरी यार मूवी रिव्यू, द स्लीप ओवर, अ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल मूवी। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर बिना करे आपको बोर। तो द स्लीप ओवर एक फैमिली एडवेंचरस ड्रामा है जिसको देखने के बाद आप लोग भी हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। इस मूवी में जोक्स भी हैं, एडवेंचर भी है, थ्रिल भी है, डार्कनेस भी है, हर चीज का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन एक फैमिली को देने की कोशिश की गई है। ये मूवी साफ साफ पूरी फैमिली को साथ में बैठ के देखने के लिए बनाई गई है। तो बहुत हो गया अकेले देखना, अब देखिए फैमिली के साथ, पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करिए इस मूवी को। तो इस मूवी का प्लॉट फॉलो करता है 2 सिबलिंग्स जो कि एक वीकेंड को अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ में स्लीप ओवर कर रहे होते हैं, बट तभी पता चलता है कि उनके मॉम एंड डैड हो गए हैं किडनैप। क्लेंजी और गैंग मिलकर के क्लूज ढूंढते हैं और अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब इसी बीच में उनको मिलते हैं काफी सारे बेहतरीन गैजेट्स। अब कैसे करेंगे वो उनका यूज, और इस एडवेंचर में क्या वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ पाएंगे, और उनके पेरेंट्स क्यों हुए हैं किडनैप, और किडनैप होने के बाद उनको क्या टास्क मिला है, और क्या उनके पेरेंट्स वो टास्क पूरा कर पाएंगे, और उनके बच्चे क्या उनके पेरेंट्स को ढूंढ पाएंगे। इतने सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको जानने हैं तो आप इस मूवी को जरूर देखिएगा। बच्चे हो या बूढ़े सबको पसंद आने वाली है ये मूवी। साथ ही साथ ये मूवी काफी हद तक रिजेंबल लगती है डोरेमोन का। हम लोग थोड़ा थोड़ा डोरेमोन को भी इस मूवी में मिस करते हैं। एंड अगर हम लोग बात करें इस मूवी का रन टाइमिंग की तो 1 आवर 40 मिनट का है। अगर हम लोग प्रोडक्शन की बात करें, अगर हम लोग इसकी बजट, विजुअल्स, प्रोडक्शन वगैरह की बात करें तो नेटफ्लिक्स ने बिल्कुल अप टू द ग्रेट रखा है इस मूवी को। मतलब कि मूवी में कोई भी कमी नहीं की गई है, चाहे फिर VFX की भी बात ना कर ली जाए। वहीं पे अगर हम लोग म्यूजिक की बात करें, बैकग्राउंड स्कोर्स की बात करें तो म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर सब कुछ परफेक्ट है। वहीं पे अगर हम लोग एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो सारे के सारे कैरेक्टर्स ने अपना बेस्ट दिया। चाहे फिर मॉम डैड की बात कर ले, उनके बच्चों की बात कर ले, सब ने अपना अच्छा दिया। साथ ही साथ ये पूरी की पूरी मूवी हिंदी में अवेलेबल है तो आप इस मूवी को हिंदी में भी देख सकते हैं। एंड मैंने ऑलरेडी हिंदी में ही देखी है ये मूवी। एंड लास्टली बात कर ले मेरे फाइनल ओपिनियन की, तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि ये मूवी थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल है एंड स्टोरी उतनी ज्यादा झमेलेदार नहीं है इस मूवी की, बट इस मूवी को पूरी फैमिली के साथ देखने के लिए बनाया गया है तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करेगा पॉपकॉर्न के साथ इस मूवी को। लास्टली बात कर ले मेरे रेटिंग की, तो मेरी रेटिंग है इस मूवी के लिए 3.5 out of 5 की। अ मस्ट वॉच मूवी फ्रॉम नेटफ्लिक्स फॉर यू, नॉट फॉर यू, फॉर योर होल फैमिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कर दो वीडियो को लाइक, ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको करनी है मुझसे कोई बात तो मिलिए इंस्टाग्राम पर, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।